दिल्ली में होने जा रही SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक अब वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस साल SCO की अध्यक्षता भारत के पास है। पहले ये बैठक दिल्ली में होनी थी और इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हिस्सा लेना था। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता शामिल होते। केंद्र सरकार इस बैठक को आयोजित करने के लिए पिछले कई महीनों से तैयारी भी कर रही थी। इन नेताओं को भारत आने का न्योता भी भेजा गया था, लेकिन बीते मंगलवार को सरकार ने एकाएक अपना फैसला बदल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम की वजह क्या है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई है। SCO चीन के दबदबे वाला संगठन है और भारत की स्थिति इसमें हमेशा बहुत सहज नहीं रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से ऐलान किए जाने के बाद से भारतीय मीडिया में कयासों का दौर जारी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित खबर के मुताबिक सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले की वजह SCO नेताओं के कार्यक्रम को लेकर बना हुआ असमंजस था। कूटनीतिक सूत्रों ने अखबार को बताया है कि उन्हें सरकार के कदम की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से ऐलान किए जाने के ठीक पहले मिली थी। भारत की SCO राष्ट्रीय समन्वयक योजना पटेल की ओर से सोमवार को सभी सदस्य देशों को एक अर्जेंट मैसेज भेजा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इस कदम की वजह भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ ठंडे रिश्ते हैं। हालांकि रूस और चीन के मामलों पर नजर रखने वाले JNU विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार इन तर्कों से सहमत नजर नहीं आते। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, इस तर्क में दम नहीं है कि भारत ने ये फैसला चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों के ठंडे होने की वजह से किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले समरकंद जाकर इन नेताओं से मिल चुके हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में जब भारत में G20 की बैठक होगी तब इन देशों के नेता नई दिल्ली आएंगे। ऐसे में इस तर्क में दम नहीं लगता कि खराब रिश्तों की वजह से SCO बैठक के आयोजन का फॉर्मेट बदल गया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से एक सूत्र ने बताया कि SCO समिट वर्चुअली कराने का एक कारण सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आने या नहीं आने पर संशय भी हो सकता है। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को SCO देशों के कुछ नेताओं के आने की पुष्टि नहीं हुई थी। इसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इसके अलावा यूक्रेन में जारी जंग की आंच मॉस्को पहुंच गई है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी संशय की स्थिति थी। प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत टाइट शेड्यूल है। मोदी 19 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे और 14 जुलाई को उन्हें फ्रांस के नेशनल डे परेड में शामिल होना है। 2020 में SCO की अध्यक्षता रूस के पास थी और रूस ने कोविड महामारी के कारण इसका आयोजन वर्चुअली ही किया था। 2021 में SCO समिट ताजिकिस्तान में हुआ था और ये हाइब्रिड मोड में था। कुछ सदस्य देश इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे। पिछले साल SCO समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था और ये इन पर्सन था। प्रधानमंत्री मोदी समेत सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचिलानी ने सरकार के इस फैसले को अर्थपूर्ण बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, इस समय जब यूक्रेन युद्ध अब अपने अहम मोड़ पर है, सीमा पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता अभी भी जारी है और पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे माहौल में भारत की अध्यक्षता में SCO समिट का वर्चुअली होना काफी अर्थपूर्ण है। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने इसे एक तीर से कई निशाने साधने वाला कदम बताया है। हालांकि इस फैसले में एकाएक बदलाव की वजह क्या है, ये सिर्फ आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा।